पूरी बन के रेडी है, देख सकते हो फुली फुली सी बनी हुई है। पूरी के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया, इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, पूरी के लिए किया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका डो लगाऊंगी। खस्ता वाली पूड़ी बना रही हूँ। ये देख सकते हो मैंने डो लगा लिया है, इसमें आराम से 8 से 10 बन जाएंगी पूड़ियाँ। मैं अभी से रखती हूँ रेस्ट करने के लिए। बेल लिया हमने जो हमने बना के रखा था, 7 से 8 हुई हमें, बहुत है इतना। अच्छे से ये हो रहा है, गोल नहीं, शेप में नहीं आ रहा। ये देखिए, ये मैदे की पूरी तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम ना वेस्ट करते हुए हम इसी में पूरियाँ फ्राई करेंगे। वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। देख सकते हो मैंने दूसरा भी डाला है, देखते ये फूल फूटती है कि नहीं फूटती। जब तक एक तरफ से पक नहीं जाता है पलटी नहीं करेंगे। शेप तो अच्छा नहीं है, फूल रही है। ऐसे करके एक एक करके थोड़ा ऑयल लिया है, फ्राई कर लूंगी। देख सकते हैं हमारी पूरी अच्छे से फूल गई है, फुली फुली हो रही है। फ्राई कर रहे हैं, एक एक करके ही कर रहे हैं। अब इसको हम निकालेंगे, फ्राई हो चुकी है। पूरी बन के रेडी है, देख सकते हो फुली फुली सी बनी हुई है।